लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ये है हमारे कैमरामैन। अच्छा नमस्ते जी। जी कल ही रात आपको टीवी पर भी देखा, आप तो डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते जी। बात तो ये है कि सीरियल के बारे में लोग कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं जी, हमें तो बड़ा ही अच्छा लगा। हम तो देखते ही पहचान भी गए। थैंक यू। अरे साहब, ऐसी खूबसूरत यहाँ बहुत सी जगह है, और कमाल की बात यह है कि हर खूबसूरत जगह के साथ एक लीजेंड जुड़ी है। लीजेंड मतलब एक कहानी जुड़ी है। अच्छा शंभू रोकिए जरा। जी देखिए तीनू साहब, वो देख रहे हैं आप, वो माता का मंदिर है, और वहां उसके बगल में क्रिमेशन ग्राउंड है, शमशान। शमशान और मंदिर के बगल में, और इस शमशान में हर रोज एक शव जलाया जाता है, हर रोज। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब ऐसा ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग इस मंदिर और शमशान से जुड़ी एक दास्तान सुनाते हैं। कहते हैं जब शांत वादी में चंडमुंड नाम के दो राक्षसों ने मानव जाति का विनाश करना शुरू किया तो यहां तो खलबली मच गई। तब मां अंबिका ने एक ऐसी शक्ति की रचना की जिसने उन राक्षसों के सर काट कर माता के चरणों में रख दिए, और वो स्वयं उन शवों पर आसित होकर चामुंडा देवी कहलाई। शायद इसीलिए इस आसन को बरकरार रखने के लिए हर रोज कोई ना कोई शव यहां आ ही जाता है। सच बात तो यह है जनाब, युगों युगों से पाप का विनाश करने के लिए किसी न किसी शक्ति की रचना होती ही रही है। जी हाँ, आइए चलें। ये धौलाधार है। तीनु साहब वो देखिए, बड़ा घना जंगल ना जरा। जंगल नहीं है साहब, ये पूरा का पूरा एक ही पेड़ है। हाँ, इसकी फैली हुई टहनियां ही तने बन गई। इस पेड़ के नीचे दो समाधियां हैं, और वहां एक फकीर किस्म का बूढ़ा रहता है। अजीब कैरेक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाता है, पर्वतों की, नजारों की, नदियों की। कुछ लोग कहते हैं किसी रियासत का राजकुमार था, कुछ कहते हैं नहीं साहब, यही दीवाना फकीर है। आपने तो मेरी एंग्जाइटी बढ़ा दी है साहब, देखें। हाँ हाँ, ए गड्डी रोकी जरा। ये हैं वो समाधियां।
इन पे नाम तो किसी का नहीं लिखा, कैसे पता चलेगा कि ये समाधियां किनकी? परखुरदार, मोहब्बत करने वालों के नाम मजारों पर नहीं दिलों पर खुदे होते हैं। यही है वो। और फिर ये कोई आम आशिक नहीं थे। अगर इन दोनों का बस चलता तो ये एक ही समाधि में समा जाते। वो तो किसी ने इनको अलग अलग करके दफन कर दिया है। वो थे कौन बाबा, और उनकी मौत कब और कैसे हुई? मौत ये तो सोए हुए हैं, ये रहती दुनिया तक मर नहीं सकते। ये मजार नहीं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो अपनी अपनी मोहब्बत के बोझ से दब गए हैं, तो गुंबद हैं जिनमें मोहब्बत के गीत गूंज उठते हैं। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? अभी उठेगा ये और अपनी बांसुरी की लय से सोए हुए पर्वतों को जगाएगा, नदी के होंठों पर प्यार के बोल रख देगा, हवाएं नाचने लगेंगी, पेड़ पौधे झूम उठेंगे, धूम छट जाएगी और सुबह की सुनहरी किरणें खेतों में सोना बिखेरने लगेंगी।
की ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। अरे साहिबा, खरगोश अगर भारी लग रहा है तो ला मुझे दे दे। ढेंडे बाबू, तू हम दोनों का वजन कैसे उठाएगा? उठा लूंगा बेटे। अरे साहिबा, अरे बाबू, हाँ। रुक रुक, क्या हुआ? ये भुट्टा नहीं खा रहा है। अरे तो उसका पेट भर गया होगा ना। हाँ, नहीं। हाँ। हाय। अब क्या हुआ? इसे तो बुखार लग रहा है। बाबू जल्दी चल, जल्दी से वैद्यराजी के पास चलते हैं। अरे चल जल्दी, चल ले बाबा, चल ले साहिबा। जय देवा चाचा। जय देवा। कितनी बड़ी हो गई है, चाचा के कंधों को तोड़ने के सिवा और कोई काम नहीं है तुझे। देवा ने इतने सुंदर पांव तुझे दिए हैं, कभी इनका भी इस्तेमाल कर लिया कर। अरे साहिबा, चल उतर, माँ आवाज दे रही है, चल जा पानी भरा, चल उतर। बच्चों से भी गई गुजरी है। दे ले, और जल्दी आना। चाचा तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है, वाकई सर पर ही चढ़ा रखा है। अरे बच्ची है ना। अरे साहबा की अम्मा चाय बनाना। सारा दिन बंदरा की तरह हरकत करता रहता है। अरे ताता तू आ गया? हाँ मैं आ गया, लेकिन तू भाग के जा। तिदेल देख, वो साहबा से गगरी लेके पानी भर के ले आ, जल्दी से जा। जाते लाता हूँ। और सुन, हुआ साहिबा की अम्मा को नहीं बताना। हाँ। उसे नहीं पता लगे कि पानी तू लाया है। आता जी, समझ गया? हाँ ताता, जल्दी जा। मैं बिल्कुल समझ गया ताता, मैं कोई बुद्धू तोड़े ही हूँ, आदिल बेटा दिता हूँ। अरे जा जल्दी जा। अरे भाई चाय बनाए कि नहीं? ओफो, किसकी चाय बनाऊं, सारा पानी तो आटा गुन्ने में खत्म हो गया, एक बूंद भी नहीं बचा। मुई साहिबा ने तो काम न करने की कसम खा रखी है। चल फेंकना, ये ले। ए, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। अब मेरी बारी। नहीं, नहीं, हाँ, अरे तेरी बारी कैसे? मेरी बारी है। मैं भी खेलूंगी, ला दो दो निकाल। नहीं, अरे मेरे पास भी हैं। देख, ते? अच्छा ले। ये ले, पहले मेरी बारी है। किसको मारूं? ये वाला दागर लेदा रहा हूं। खेलूंगी, वो बीच में आ गया था। मैं क्या करूं, मेरी बारी है। मेरी बारी है, मेरी बारी है। ले, बेईमान कहीं का। तू बेईमान, तेरा बाप बेईमान। मेरे बापू को गाली देता है। बलोर खेलना क्या तुझे शोभा देता है? छोटे छोटे बच्चों के साथ झगड़ा करते रहती है, उस बेचारे का सर फोड़ दिया तूने? अरे गांव की दूसरी लड़कियां घर का काम करती हैं, तू भी क्या कर,
और अपनी शक्ल देख, शक्ल देख, ये देख, ये देख, ये देख, साफ कर, चल जा, जा, और सुन, आज तेरी बारी है खाना लाने की, वक्त पर लेके आना, समझी, भूलना नहीं। चिप क्यों रही है? वो बचितर है ना? हाँ, क्या हुआ बचितर को? मैंने उसका सर फोड़ दिया। अरे मगर क्यों फोड़ दिया? वो तेरे को गाली जो बकरा था। अरे ओ साईबा, बाहर निकल, मेरे भाई का सर क्यों फोड़ दिया? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? अपनी बेटी से पूछ। लेकिन वो तो पानी भरने गई है। पानी भरने गई थी या बच्चों का सिर फोड़ने? शर्म नहीं आती, 18 की हो गई, बाप के कांधे से नहीं उतरती। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो। तू क्यों खेलता है उसके साथ? एक वही मिलती मुझे खेलने के लिए। देख देख देख, वो खेल हुआ रहा है, तू जल्दी से उससे गागर ले ले, नहीं तो तेरी माँ समझेगी कि पानी वो लेकर आया है और फिर तेरी शामत मेरी शामत, शामत शामत शामत। बचित्तर को मारा? बचित्तर? कौन बचित्तर? मैं तो पानी भरने गई थी और अब जाना है खाना लेकर गोपी के लिए, पहले ही देर हो चुकी है। अरे उने उने तो थक के आई है, और थक जाएगी। अरे काहे की थकावट बापू, अम्मा ही तो कहती है काम काज में हाथ बटाया कर। ठीक ही तो कहती हूँ बेटी, कुछ सीख जाएगी तो ससुराल में काम आएगा। ब्याह के बाद हर लड़की को सब कुछ अपने हाथों करना पड़ता है। हाँ अम्मा। हाँ बेटी। मेरा ब्याह कब होगा? पगली, लड़कियां अपने ब्याह के बारे में खुद थोड़ी पूछती हैं। बता ना अम्मा, मेरा ब्याह कब होगा? मेरा बस चलता तो कब का हो जाता, पर तेरा बापू तो, सुन तो। ताती ताती, बहुत भूत लगी है, ताना देना। कहाँ था तू सवेरे से? सारा दिन मटर गश्ती करता रहता है। अले ताप बात तलती हो ताती, ओले नदी ते पानी तोन ब... ओह, तो तू लाया है? हे राम, इस लड़की का मैं क्या करूं? क्या तुझे शोभा देता है?
छोटे छोटे बच्चों के साथ झगड़ा करते रहती है, उस बेचारे का सर फोड़ दिया तूने, हैं? अरे गांव की दूसरी लड़कियां घर का काम करती हैं, तू भी क्या कर। कर रही है? झाड़ू लगा रही हूँ माँ। रात को झाड़ू नहीं लगाते बेटी, अब शकुन होता है, चल जाके सो जा। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान। अरे अरे क्या कर रहे हैं? कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे नीचे इतना गहरा पानी है और मुझे तैरना नहीं आता, छोड़ो उसी। मैं खींचूंगी पर अपनी तरफ। हाँ हाँ अपनी तरफ खींच, पर खींच तो सही। और तुम्हें मेरी एक बात और माननी पड़ेगी। मानूंगा मैं तुम्हारी एक नहीं हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे पहले उधर तो आने दो, जल्दी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो कि नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। खींच खींच खींच। तू सब पार पार करे तो ही झूठे मन महा सुख होई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव कि नहीं। जय 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 मरवा देगी मुझे, पानी से डर लगता है, मेरा दिल धड़कन हो रहा है। पागल है तू, तुझे कुछ पता नहीं क्या कर रही है, है? अरे दीवानी हो गई क्या? मेरा सामान सब फेंक दिया तूने उधर, क्या समझ तू? अरे क्या हो गया तुझे? अरे अरे क्या कर रही? अरे वो बावली हो गई है, ठीक तो थी तू कल? चाची कैसे करूं? ला ये ऐसे।
चीकू, गोपी तुझे अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चली है आटा गूंदने, इसमें थोड़ा सा आटा और डाल। काय बा दीदी, दांत तो भूता तो दे आटा, हाथ थाना मिले जाते नहीं। ताले मुंह पे पौधे लग गया। ठीक हो जाएगा। सहेली साहिबा को समझाती क्यों? तेरे और उसके बीच मतलब स्वभाव में कितना अंतर है। तू इतनी शांत रस की है और जब देखो आग लगी रहती है। कभी बच्चों से झगड़ा, कभी किसी का सर फोड़ देगी। मैं तुझे अच्छी लगती हूँ क्या? वो क्या बताएगा, मैं बताती हूँ तुझे। क्या मैंने तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? हाथ जलाए झाड़ू दिया, तेरी कौन सी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि मैंने बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया। और तू तू उसके सामने मेरी तू मेरी बुराई करता है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँ? अरे अरे नहीं 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 करूँ। दरिया को पार में ही
पंखुड़ी से ज्यादा कोमल ये बदन, शराब की बोतल से भी नशीला। जी चाहता है तुम्हें जाम में खोलकर पी ले। कौन हो तुम? यहां कैसे आई हो? किसने भेजा है तुम्हें? तुम जाती हो या किसी को आवाज दें? अरे कोई है? दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, दुर्गे, दुर्गा सिंह। तो है सरकार, क्या तुम्हारी आंखें उम्र से पहले ही कमजोर हो गई? क्या हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? टूटे हुए खिलौनों से तो हम बचपन में भी नहीं खेला करते थे। बात क्या, मैं कुछ समझा नहीं। ये टेढ़ी मेढ़ी औरतें इस हवेली में कौन लाता है दुर्गा सिंह? हमारा नहीं तो कम से कम इस हवेली की आबरू और शान का तो ख्याल रखा करो। ये लोग कौन है? ये हमारी आलू मंडी में काम करते हैं, रोजी में बढ़ोतरी चाहते हैं। मैंने यहाँ आने से मना भी किया था, मगर क्यों मना किया था? अगर इन पर हमारा दर बंद हो गया तो ये बेचारे लाचार मजबूर होकर मंदिरों में जाएंगे, भगवान के आगे माथा रगड़ेंगे। और फिर ऐसा छोटा सा काम अगर हम कर सकते हैं तो फिर भगवान को क्यों तकलीफ दी जाए? हाँ भाई, तुम लोगों को दिहाड़ी कितनी मिलती है? 1.5 रुपया महाराज। और खर्च क्या होगा तुम्हारे घर का? बाल बच्चों का पेट पालने के लिए महाराज 3 रुपया तो चाहिए ही, लेकिन हम 2.5 में ही गुजारा कर लेंगे। हुजूर, विजयपाल सिंह के यहाँ गुजारे वाली कोई चीज नहीं होती। देखो, जो काम पेट के लिए किया जाता है वो भूखे रह के नहीं हो सकता। आज से तुम लोगों को 3 रुपए रोज ही मिलेंगे। तो साहब, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर आपने काम तो बहुत पुण्य का किया है, मगर क्या है ना कुंवर साहब, इससे उस पार के मजदूर बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी हाँ कुंवर साहब, वो सब टीका साहब का काम छोड़ के हमारी तरफ आ जाएंगे और टीका साहब ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच सकती है। दुर्गा सिंह, वो लड़ाई जिसमें किसी गरीब का लहू बहे हमें पसंद नहीं। चाहते तो हम भी नहीं,
मगर टीका साहब ने कहीं ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो। दुर्गा सिंह, कितनी बार तुमसे कहा है कि टीका के नाम के साथ साहब नहीं जचता। अगर तुमसे उसका अकेला नाम नहीं लिया जाता तो उसे टिक्का डाकू या टिक्का चोर कह दिया करो, समझे? बलराम सिंह। जय देवा। जय देवा। क्या हुआ बलराम सिंह, आज काम क्यों बंद है? क्या करें टिक्का साहब, कुंवर विजयपाल ने मजदूरी इतनी बढ़ा दी कि कोई भी मजदूर इधर काम करने को तैयार नहीं। अगर विजयपाल ने मजदूरी बढ़ा दी है तो तुम कोड़े क्यों नहीं बढ़ा देते? पिछली बार ऐसा किया था तो एक आदमी मारा गया। एक आधा और भी मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कल तक उस पार एक भी मजदूर नहीं रहना चाहिए, समझ गए? जी टिक्का साहब। जा। जय देवा। जय देवा। तुझे ज्यादा मजदूरी चाहिए। कौर साहब, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ है। टीका फिर अपनी जलील हरकतों पर उतरा है। बलराम सिंह और उसके आदमी हमारे मजदूर को कोड़े मार मार के उस पार ले गए और तुम वहां खड़े खड़े मुंह देखते रहे। जी मैं वहां था नहीं, मुनीम खबर लाया और फिर आप ही ने दंगा फसाद से मना किया हुआ है। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि जहरीले सांप और पागल कुत्ते हमारे घर में घुसाए तो हम उनके सामने दूध रख दें? माफ कर दीजिए। बहुत चर्बी चढ़ गई है। टिक्का साहब का हुक्म था। टिक्का साहब ने कहा था एक आदमी मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने कहा था ना कि एक आध आदमी मर जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारा एक आदमी मर गया है और उसकी लाश वहां पहुंच गई है जहां तुम तो क्या, तुम्हारी आवाज तक नहीं पहुंच सकती। खबर लाने का बहुत बहुत शुक्रिया विजयपाल सिंह, लेकिन एक खबर और सुनते जाओ कि कल अगर तुम इस तरफ तैरते हुए निकले तो एक और लाश का पता नहीं चलेगा, वो तुम्हारे ही लहू में डूब जाएगी। तुमने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है टिक्का, कल के इंतजार में हमारे लिए आज का काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप यहां छुपकर खड़ी क्या कर रही हैं? आप हमारी बीवी है कि जासूस है? क्या आप जानते नहीं कि औरत का दो मर्दों की बात सुनना या उसमें दखल देना हमारे खानदान के दस्तूर के खिलाफ है, खासतौर से उस सूरत में जब वो दूसरा मर्द कोई गैर हो, दुश्मन हो। भैया गुस्सा घर का हो या बाहर का, उतारने के लिए एक भाभी रह गई है क्या? ओ राजी, चलो भाभी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है।
आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। बिखेर दे जो वो जुल्फों को अपने मुखड़े पर, तो मारे शर्म के आई हुई घटा फिर जाए। एक अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई। पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल ये बदन, शराब की बोतल से भी नशीला, जी चाहता है जाम में खोलकर पी जाए। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई हो? किसने भेजा है तुम्हें? लेकिन आप वो... तुम जाती हो या किसी को आवाज दें? लेकिन आप ही ने... दुर्गा सिंह! दुर्गा सिंह! दुर्गा सिंह! क्या हुआ कौन साहब? वही जो रोज होता चला आ रहा है। आज सुबह फिर हमने किसी सूखी हुई टहनी का जर्द पत्ता अपने बिस्तर में देखा। ये काले नगर की बाशिंदा औरतें तुम रोज रात हमारे कमरे में क्यों भेज देते हो? क्या किसी बाग में ऐसा कोई फूल नहीं जो हमारी आंखों को लुभा सके? हैं? जरूर हैं, एक नहीं हजार। मगर मैं अपनी हार मान गया सरकार। क्या ही बेहतर होगा अगर आप अपने ख्वाबों की शहजादी की एक हल्की सी तस्वीर अपनी जबानी बना दें, फिर उसे ढूंढना मैं अपना फर्ज समझूंगा। काले काले गेसुओं में नूरानी चेहरा, हल्के गुलाबी रसीले होंठ, फूल जिनसे इजाजत लेकर खिलते हो, जिस्म जैसे किरणों का गुब्बार, नूर का बहता हुआ दरिया, सूरत के साथ साथ सीरत भी उतनी ही प्यारी। हम अगर उसे एक बार देख लें तो पलक झपकना भूल जाएं, बस देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें। इस तरह क्या देख रहा है गोपी? तेरी आंखें बहुत सुंदर हैं साहिबा। तुझसे किसने कहा? झील ने। और झील से किसने कहा? उसे मैंने ही बताया था। साहिबा, जब तेरी पायल की छमछम मेरी बांसुरी की धुन में घुल जाती है तो ऐसा लगता है जिंदगी एक सुहाना गीत बन गई है, जिसका एक बोल साहिबा है तो दूसरा गोपी है, एक गोपी तो दूसरा साहिबा। गोपी, रब ना करे कहीं हम बिछड़ गए तो? साहिबा, फूल से उसकी खुशबू, उसका रंग छिन जाए तो मुरझा जाएगा, दिए की बाती न रही तो बुझ जाएगा, चांद की चांदी न रही तो सारी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। और क्या? और गोपी से साहिबा बिछड़ गई तो वो उसी पल मर जाएगा। गोपी कैसे जियूंगा मैं हो
सरकार इस वक्त कहाँ चलती है आप? जानते नहीं इस वक्त हम कहाँ जाते हैं? तैरने? वो तो ठीक है, लेकिन बारिश तो देखिए, गजब की आंधी तूफान है। आज हमें कोई चीज नहीं रोक सकती, आज हमें जाना ही है। और फिर विजयपाल सिंह को एक टिमटिमाता हुआ दिया नहीं जिसे किसी आंधी या तूफान का खौफ हो। विजयपाल एक लावे का नाम है जो फटता है तो आंधी और तूफान नहीं भौचाल आता है। करनी पड़ेगी। दीवान हिकमत राय, पानी सर के करीब पहुंच रहा है। जानता हूं सरकार, मगर वो जालिम कोई सबूत भी तो नहीं छोड़ता। क्यों, तुम्हारी यहाँ के जीता जाता सबूत नहीं? तुमने कुछ नहीं देखा? आंखों देखी सबूत की बात तो तभी आएगी ना हुजूर, जब मरने वाले की लाश मिलेगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। आइए आइए टिक्का साहब, आपने खुद क्यों तकलीफ की, हमको बुला भेजा होता। पुलिस वालों को बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं। कहिए क्या खिदमत करूं आपकी। विजयपाल, विजयपाल के हाथ उसके कद से भी लंबे होते जा रहे हैं। उसके मुंह हमारे आदमियों का खून लग गया है। एक हफ्ते में हमारे दो कारिंदे मार चुका है वो। आपके दीवान ने बताया था हमको
आप कहें तो रपड़ दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दूं। नहीं, तुम्हारा कानून सबूत मांगता है और सबूत उस कमबख्त ने कोई नहीं छोड़ा। वो तो जरूर चाहिए हुजूर, उसके बगैर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। दारोगा जी, जब हम अमरूद के मौसम में आपको आम लाकर दे सकते हैं तो क्या आप हमारे लिए छोटा मोटा सबूत नहीं घड़ सकते हैं? अरे टिक्का साहब, विजयपाल कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं जिस पर ऐसा ही हाथ डाल दूं। माना कि रास्ते लद गई हैं, लेकिन इससे उनके दबदबे में ज्यादा फर्क तो नहीं आया है ना। आप ये देखिए, रखिए रखिए, ये वो नुस्खा है जिससे दिल और हौसला दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है टिक्का साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं हाथी के पांव तले अपना सर रख दूं, तो आपकी खातिर वो भी कर दूंगा। दारोगा जी, सरकार ने आपके सर पे ये कुल्ला इसलिए रखा है ताकि आपका सर सलामत रहे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा जी, जय देवा। जय देवा। सरकार, दरोगा जी आए हैं। बिठाओ उन्हें। जी बैठिए। कहां से होकर आ रहे हो दरोगा जी? टिक्का साहब से मिलकर आ रहा हूं। किसी ने उनके दो आदमियों को बड़ी बेरहमी से चूहे की तरह मार दिया है। अच्छा, इधर कैसे आना हुआ? सुना है इस हवेली में एक बड़ा अजीबोगरीब सांप रहता है, सोचा उसे देखता ही चलूं। दरोगा जी, जब चूहे हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्लेग की बीमारी फैलने का खतरा हो जाता है, और चूहों को खत्म करने के लिए सांप से उम्दा कोई जानवर नहीं है ना। आपको डर नहीं लगता? डर? जो लोग डर कर जिंदगी गुजारते हैं वो उम्र भर जीना शुरू ही नहीं करते। अजी, आपने तो कुंवरों वाली बात कर दी, जबकि मैं सांप के जहर की बात कर रहा था। सांप में कब कितना जहर पैदा होता है ये हम जानते हैं, इसीलिए उसे वक्त से पहले ही निकाल देते हैं। इसे तो आपके हाथों का कमाल कहना चाहिए। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। कभी फुर्सत मिली तो सरकार के हाथों की लकीरों को जरा गौर से पढ़ेंगे। आज दरोगा जी अपनी बोली नहीं बोल रहे हैं, लगता है टिक्का ने जेब में सिक्के और मुंह में जबान डाल दी है। हमें सबूत मिलने दें कुंवर साहब, फिर हम अपनी बोली भी बोल के दिखाएंगे। अरे ओ दरोगा, रिश्वत से सबूत नहीं खरीदे जाते। हम पुलिस वाले हैं, सबूत पैदा भी कर लेते होते हैं। अच्छा, वो कैसे? इसको जरा देखें। इस खिलौने से क्या होगा? बहुत कुछ। आपने मेरा पिस्तौल छीन कर मुझ पर गोली चलाई, पुलिस वाले चाहें तो ये इल्जाम भी आप पर लगा सकते हैं। मगर इसका क्या सबूत कि गोली हमने चलाई? इस पिस्तौल पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। दरोगा जी, सांप से खेलते वक्त हम अपने दस्ताने पहनना कभी नहीं भूलते। No!
कारवान, छोकरी सुंदर है। क्या ख्याल है, ले चले? कुंवर साहब को पसंद आ गई तो इनाम मिल जाएगा। हाँ हाँ, रुक जा। हुजूर, आज हम क्या देख रहे हैं? कौन हो तुम? कोई ख्वाब या हकीकत? अगर तुम ख्वाब हो तो हम तुम्हें अपनी आंखों में कैद करके सो जाएंगे, और अगर हकीकत हो तो हम तुम्हें छूकर पहचान लेंगे कि तुम कौन हो। पीछे हट, खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाए तो। देखने में तो मीठी शराब लगती हो, मगर तुर्श हो। कुछ भी हो पर हो तो शराब ही ना। जाने दो मुझे। आवाज सुन के ही कानों में रस घुल रहा है, कहोगी तो अमृत घुलने लगेगा। हाँ, मत जाओ हमें छोड़कर। कमर की लोच के आगे छुप जाने को जी चाहता है। नाचोगी तो दर और दीवार झूम उठेंगे, और हम तुम्हें फरिश्तों का भेजा हुआ खुमार समझ के अपनी आंखों से पी जाएंगे। फिर एक अधखिले गुलाब की तरह तुम्हें सीने से लगा लेंगे। यहां महक है रात रानी, महक गा गा ए जिंदगी के नगमे, गा गा गा। नाच नाच ए सुरूर की भरी बोतल, नाच 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 नाच। मैं बोतल नहीं शराब की, जिसे खून की तू पी जाएगा। मैं बोतल हमारे मुकद्दर में तो तुम यूं ही चली आई। लगता है खुदा ने अपने मासूम बचपन को बहलाने के लिए एक खूबसूरत खिलौना तराश रखा है। जहां की दौलत तुमने हमें तो लूट ही लिया है, जी चाहता है तुम पर सब कुछ लुटा दे। मैं दौलत नहीं मोहब्बत हूं, मैं सारे
दो शराबें मिल गई, सो नशा भी दुगना, तू गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल, शराब की बो घबराई क्यों है? तू रो क्यों रही है? गोपी, आज मैं बाल बाल बच गई गोपी, आज हमारी मोहब्बत बर्बाद होने से बच गई। क्यों? क्या हुआ? मैं उस पुरानी हवेली वाले कुंवर के चंगुल में फंस गई थी। वो शराबी ऐसी दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे निकल जाएगा। वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैं बचकर भाग गई। पवित्र प्यार पर बुरी नजर रखने वाले ज्यादा देर देख नहीं पाते, और फिर जब तक गोपी की सच्ची मोहब्बत की चादर तनी हुई है, किसी मनहूस नजर का साया मेरी साहिबा को छू ही नहीं सकता। कहाँ है वो? कौन कहाँ है कुंवर साहब? वही नूरानी चेहरा जिसने कल रात हमारे अंधेरे घर में रोशनी बिखेर दी थी, जिसकी खुशबू इस हवेली की दीवारों में अभी तक रची हुई है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी बात जिससे बात करने के लिए हमारी जबान मुद्दत से तरस रही थी, उसकी बात जिसकी बात हम तुमसे हमेशा करते आए। लगता है सरकार ने फिर कोई ख्वाब देखा है। नहीं, हमने ख्वाब नहीं, ख्वाब की ताबीर देखी है। उस जागती आंखों के ख्वाब को हमने अपनी आंखों से देखा है दुर्गा सिंह। इन हाथों ने छुआ है उसे। हाय, कैसी तपिश थी उसमें, एक चमकता हुआ सूरज जिसमें चांद से भी ज्यादा ठंडक थी। वहम का क्या इलाज करें कुंवर साहब, मैं खुद आपको अकेले छोड़ गया था। हमें कुछ याद नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर हम उसे अब भी ना पा सकें तो हम अपने आप को हमेशा के लिए खो देंगे। बिल्कुल वही खूबसूरत मोड़ जो हमारी जिंदगी की धारा बदल सकता है, हमारा जीवन साथी बन सकता है। काश ये सच होता, वो यहां आई होती। दीवान दुर्गा सिंह, इसे कोई छोटा मोटा हादसा मत समझो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। गांव के एक लड़के खरगोश के पीछे भागती इधर आई थी, हमें सुंदर लगी तो हम उसे उठाकर कुंवर साहब के पास ले गए। कुंवर साहब समझिए, सब मुश्किलें आसान हो गईं। वो लड़की आपको मिलेगी, हर सूरत मिलेगी। लेकिन दुर्गा सिंह कैसे? कैसे? कुंवर साहब, बुध को गांव में मेला है, 12 कोस से लड़के लड़की वहां जमा होकर नाचते हैं गाते हैं। मेरा यकीन है वो लड़की वहां जरूर आएगी। आप बस एक बार इशारा कर दीजिए, बाकी खाकसार पे छोड़ दीजिए। देख ले। अरे, तेरे लिए लाई हूं। ये तो बहुत अच्छा है। इसे मैंने अपने हाथों से सिया है। तूने कब से सीना पिरोना सीख लिया? जब से घर का कामकाज शुरू किया है। अरे वाह, बड़ी सियानी हो गई है। ये क्या बनाया? ये मोर है। मोर? गोपी, मेले में तू यही जोड़ा पहन कर आना, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं नाचूंगी। ठीक है, और अगर मुझे तेरे हाथों से ले कपड़े पहनने की आदत पड़ गई तो? इसलिए तो कहती हूँ, तूने मेरे को तो मुझसे चुरा ही लिया है, बापू से भी मांग ले। तू ठीक कहती है साहिबा, अभी फासला सहा भी नहीं जाता। सुना है मेले वाला दिन मिलने वालों के लिए बहुत शुभ होता है। कहते तो ऐसे ही। ठीक है, शुभ बात शुभ दिन को ही करनी चाहिए। मेले से वापस आते ही तेरे बापू से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। ठीक। Come on.
आपको दिखाना था। नहीं नहीं, कसूर आपका नहीं, गलती तो मेरी थी, मैं अपने धुन में खोया चला जा रहा था। जय देव जय। इस मेले में लोग आते हैं खो जाते हैं। चलना मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ चलना। Thank you.
नजर आई? वही तो है। दुर्गा सिंह जी, तुम हमारे साथ रहकर वक्त जाया मत करो। साहिबा के बाप के पास अभी चले जाओ। अभी? कुंवर साहब कुछ सब्र कीजिए, ऐसी बेताबी भी क्या हुई? दुर्गे, हमारे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो गया है और तुम सब्र की बात करते हो। कुंवर साहब, ऐसी बातों के लिए कुछ रस्में होती हैं, किसी पंडित से दिन ग्रह की बात करनी पड़ती है। हम कुछ नहीं जानते दुर्गे, जो कुछ भी करना है अभी करो, हम शाम तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। और हाँ, सगाई की रस्म और शादी की तारीख तय करके ही आना। ठीक है, मैं शगन की मिठाई ले जाता हूँ और सगाई की तारीख पक्की करके ही लौटता हूँ। गोपी, गोपी, तू बापू के सामने शादी की बात खुद कैसे करेगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो मैं कर लूंगी। अरे हट, अपनी शादी की बात मैं खुद करूंगा, ये तू करेगी? तो क्या कहेगा बापू से? क्या कहूंगा मैं? हाँ, आंखों में फरियाद लेके तेरे बापू के कदमों में गिर जाऊंगा और कहूंगा ये फूलों से लदा हुआ बूटा मुझे दे दे, मुझे दे दे। और अगर बापू ने कहा कि शादी में तू क्या लेकर आएगा तो? क्या लेकर आऊंगा? बारात लेकर आऊंगा और क्या? हाँ, हो सकता है उसमें सिर्फ भेड़ बकरियां हो। भेड़ बकरियां? अरे हम सोना चांदी वाले थोड़े ही हैं, दिल वाले लोग हैं। हम उन आशिकों में से हैं जो अपने हाथों से नहर खोद कर तो ला सकते हैं, मगर ताजमहल नहीं बना सकते। गोपी, चल 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 चल। फिर वो तू मेल ले? मैंने गया गया था, वो भीड़ तापी थी, इसलिए वापस आ गया। अच्छा, ये उंगली क्यों पकड़ रखी है तूने? नहीं तो थो दमदा ना। ओ तेरा भला। अरे भगवान, जब अकल बांट रहा था उस वक्त तू कहाँ था? तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। ओए, आप कैसे हो बालक राम? जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी, लेकिन आपके कदम इतने बरसों बाद यहाँ पड़े, कहीं बाहर गए थे क्या जी? नहीं, कुंवर साहब के कामकाज का फैलाव इतना ज्यादा है, आंख चपकने की फुर्सत तक नहीं मिलती। ले भाई, रख दो। जी ये क्या लाए जी आप? खुशखबरी। खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं जी। मैं पहले पहल तो मैं भी नहीं समझा था, ये कुंवर विजयपाल सिंह जी का पयाम है। कैसा पयाम जी? उन्होंने आपकी बेटी का हाथ मांगा है। आप पहले तो कभी ऐसा मजाक नहीं किया करते थे जी। ये मजाक नहीं है बालक राम, हकीकत है। यकीन नहीं आता तो ये देखो। साहिबा की अम्मा। ए साहिबा की अम्मा। क्या बात है जी? साहिबा की अम्मा, कुंवर विजयपाल सिंह ने साहिबा का रिश्ता मांगा है जी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं नहीं, दिमाग नहीं खराब हो, ये देख शकुन भी भेजा है। अरे ऐसी बातें क्या दुकान में बैठ के की जाती है, इन्हें अंदर तो ले आ। हाँ हाँ, लाता हूँ जी। आप अंदर विराजो जी, मैं अभी आया। साहिबा की माँ, आइए आइए। कुंवर साहब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते, इसलिए पंडित से सब कुछ पूछ लिया है। सगाई इसी शुक्र को होगी और रस्म की अंगूठी कुंवर साहब खुद यहाँ आके बनाएंगे। हमें सब मंजूर है, मगर ये रिश्ता पक्का तो है ना? अजी क्या बात कर रही हैं आप, पक्का? बिल्कुल पक्का। भगवान का नाम लीजिए और मुंह मीठा कीजिए। है देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने कैसा करिश्मा कर दिखाया। मुंह तो मीठा कीजिए। साहिबा, साहिबा। माँ। बेटी, तेरे भाग खुल गए। लगता है पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं। आज बड़ा शुभ दिन है बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ले ले मुंह मीठा कर ले बेटी। अरे खेरू, सुन सुन सुन, पर फिर लाना ना भूलना, जा जल्दी। अभी लेके आ जाता चाचा। जय देवा चाचा। जीता रे, कैसा है तू? वो चाचा मैं। हाँ क्या बोलना चाचा? तू मुझे अपना बेटा बना ले। अरे बेटा तो तू है ही मेरा।
कुछ चाहिए तो बोल, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले। क्या मांगता है चाचा? हाँ हाँ चाचा, साहिबा को तू मेरे पल्ले से बांधे। साहिबा और मैं एक हो चुके हैं चाचा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते चाचा। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ चाचा। तू 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 बेशक साहिबा से पूछ ले। साहिबा से क्या पूछना, मैं बताती हूँ तुझे। हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें लूटना चाहता है। बाकी अम्मा, ए साहिबा की अम्मा। चाची 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 चाची, जहाँ अपने टुकड़ों पर मुझे पाला है, एक पुण्य और कर दे, मुझे साहिबा भीख में दे दे। ठीक कह रहा है, मेरी बात तो सुनिए। तेरे बापू ने तुझे सर पे चढ़ा के गोपी, खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो। पर क्या करूं मैं? पिहरवा हम कितने बेकरार हैं ये तुम इसी बात से समझ गए होंगे कि इतनी रात गए हमें तुम्हारे दर पर दस्तक देनी पड़ी। क्या तुम्हें अपने फर्ज और हमारी तड़प का कोई लिहाज नहीं जो बिना इतला किए यहां आकर सो गए? मैं सोया नहीं था सरकार, बात ही कुछ ऐसी है कि। चुप क्यों हो गए? बोलो दुर्गा सिंह बोलो, तुम्हारी इस वक्त की खामोशी से हमारे कान फट जाएंगे। साहिबा के मां बाप ने रिश्ता मंजूर कर लिया है, लेकिन। लेकिन क्या? आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। कुछ दिन? तुम दिनों की बात करते हो,
साहिबा की जुदाई का एक एक पल हमारे लिए एक एक सदी बन गया है। नहीं, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है? बात कोई ज्यादा गंभीर नहीं है कुंवर साहब, यूं ही एक गांव का छोकरा आड़े आ गया, कहता है वो और साहिबा एक दूसरे को चाहते हैं, मगर आप ये सब मुझ पे छोड़ दें, मैं सब ठीक कर दूंगा, भरोसा रखिए। अपने आप से किए हुए वादों को हम अच्छी तरह निभाना जानते हैं। जब कोई कांटा हमारे दामन से उलझता है तो हम उससे अपना दामन नहीं छुड़ाते, बल्कि उस कांटे को तोड़ देते हैं। क्या नाम है उसका जो हमसे हमारी साहिबा छीनना चाहता है? जी गोपी, वही जो मेले में साहिबा के साथ नाच रहा था। मेले में साहिबा के साथ कोई नाच रहा था? खैर, हम मेले में नाच नहीं, सिर्फ साहिबा को देखने गए थे। कहाँ रहता है वो? जी सुना है, गांव के मंदिर के आसपास नदी किनारे उसका घर है, मैं आपको सुबह होते ही वहां ले चलूंगा। सुबह तक की हमारी हार हमें मार डालेगी दुर्गा सिंह, हम उसके पास अभी जाएंगे। अकेले सुनो, गोपी नाम के लड़के को जानते हो? मैं ही गोपी हूं। हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि साहिबा हमारी होने वाली है और हम साहिबा के, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साहिबा मेरी हो चुकी है और मैं साहिबा का। शायद तुम हमें नहीं पहचानते, हम तेजपुर के कुंवर विजयपाल सिंह हैं। अच्छी तरह से पहचानता हूं आपको साहब, वरना गरीब इंसान की जुबान इज्जत करने की इतनी आदी हो जाती है कि चाहते हुए भी ऊंचा नहीं बोल सकती। अगर तुम्हें हमारे बोलने का लहजा बुरा लगा तो हमें अफसोस है, लेकिन हम तुम्हें यह समझाने आए हैं कि हम कुंवर हैं और हमारी हर ख्वाहिश की बुनियाद जिद पर रखी जाती है। बचपन से हमारी आदत बन जाती है कि जो चीज हमें मांगे से नहीं मिलती हम उसे छीन लेते हैं। फिर भी हम तुमसे इल्तिजा करते हैं कि साहिबा हमें दे दो। कुंवर साहब, साहिबा कोई मेरा खरीदा हुआ खिलौना नहीं जो बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ से आपके हवाले कर दूं। हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम साहिबा के बिना जिंदा नहीं रह सकते? हम तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की भीख मांगते हैं। एक बादशाह जब किसी फकीर के सामने अपनी झोली फैला देता है तो ऐसा लगता है कि दोनों ने अपने भेष बदल लिए हों। कुंवर साहब, अगर मैं इस दामन में अपनी मोहब्बत की लाश रख भी दूं तो भी यह खाली रहेगा, क्योंकि आपको साहिबा का प्यार कभी नहीं मिल सकता। मगर क्यों, क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि प्यार एक तपस्या है, उसके प्यार की आग में जलना होगा आपको, एक जन्म और लेना होगा आपको साहिबा के लिए। साहिबा के लिए हम एक तो क्या 100 जन्म ले सकते हैं, मगर इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम इसी जन्म में उसे हासिल करके रहेंगे। यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जन्म में मैं और साहिबा एक दूसरे के हो चुके हैं और हम दोनों को जीते जी कोई जुदा नहीं कर सकता। तो फिर एक को मार देते हैं और मौत किसकी होगी ये तो तुम अब तक समझ ही गए होगे। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। जो आदमी मोहब्बत और जंग को एक ही तराजू में तोलता है उसे जिंदगी भर मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। खामोश। हमने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा।
ख्याल से आपकी क्या दुश्मनी है भैया? कोई एक बात हो तो बताएं। बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, मजदूरों की रोजी बढ़ाकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया, हमारे खास आदमी मार डाले, हमेशा हमारा कारोबार ठप करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन हमारा नाम भी टिक्का है, मौका मिलने दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। ओ भैया आप तो भैया पुलाश, किसी ने खुदकुशी वगैरह कर ली होगी, इसे हमें क्या लेना, जाने दें। हो सकता है उसमें जान हो, मैं देखती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप, रुकिए, सुनिए, वहां ना जाएं आप। अरे ये तो वही है, सांस भी चल रही है। भैया आप, ये तो जिंदा है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप तो उस मारने वाले से भी ज्यादा पत्थर दिल हैं। आपको मेरी कसम, इसे घर ले चलें। ओफो, कसम तो आपके होंठों पे धरी रहती है। आप जरा हटें। अभी तक होश नहीं आया, दोपहर को तो बुखार और भी तेज हो गया था। घबराने की कोई बात नहीं है, चोटें गहरी हैं, ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हाँ, दवा जरा बाकायदगी के साथ देते रहिएगा। आपके कहने के मुताबिक ही खुराक दे रही हूँ। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। राजकुमारी साहबा, आप अपना भी ध्यान रखें, चेहरे पर कुछ थकावट सी नजर आ रही है। अच्छी भली तो हूँ। इस नौजवान से तुम्हारी पुरानी जान पहचान है क्या? नहीं, बस उस दिन मेले में देखा था। बस बस मतलब? कुछ नहीं, हम तो यूं ही सोच रहे थे, एक मुलाकात और इतनी तीमारदारी। नहीं भाभी, जो आप सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। ना सही, पर हो तो इसमें हर्ज क्या है? लड़का मासूम है, भला लगता है और खूबसूरत भी। ओ भाभी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाथ धरे कब तक बैठा रहेगा? तू ही बताना मैं क्या करूं। उसकी हालत तो देख, पल पल मौत की तरफ जा रही है वो। मेरी मान और एक बार कुंवर से रिश्ते की बात फिर से चला। लेकिन साहिबा, मैं औरत हूँ, उसके दुख सुख को भले समझती हूँ। संसारी सुख पुराने रिश्तों को भुला देते हैं,
तो उसका भला चाहता है ना, तो कल ही रिश्ते की बात कर। ये क्या कह रहे हो बालकराम? हम तो फिर से दीवान जी को तुम्हारे पास भेजने वाले थे, बल्कि खुद आने वाले थे। जी लड़की का बाप हूं ना जी, ऐसे कामों में खुद आए तो अच्छा लगता है ना जी। वो सब ठीक है बालकराम, लेकिन हम इन रस्मों में यकीन नहीं रखते, इसलिए हमने फैसला किया है कि कल ही मंगनी की अंगूठी लेकर हम खुद तुम्हारे यहां आएंगे। साहिबा, होश आ गया? भाभी, भाभी, इन्हें होश आ गया? मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना। कैसे जा पाओगे? जख्म भी हरे हैं और हड्डियों के जोड़ भी कच्चे, पांव पर जरा भी जोर डालोगे तो हमेशा के लिए कोई नुक्स पड़ सकता है। भैया आ गए, मैं चलती हूँ। मैं यहां हम तुम्हें सब बताते हैं, तुम यहाँ कब्र कैसे आए। लो दवा पी लो। चेहरे का नूर तो देखो, आंखें नहीं ठहरती। साहिबा कम खूबसूरत है क्या? उठ बेटी, जल्दी कर, वो लोग आने ही वाले हैं। किस्मत की धनी है साहिबा, पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। ऐसे क्या तक रही है? ऐसे मौकों पर कोई उदास थोड़ी होता है। चल उठ मेरी अच्छी बेटी, वो लोग आ गए। आइए गोर साहब। अरे खेरू, खेरू सर बतला जल्दी। कुंवर जी बैठे बैठे। कुंवर जी, अरे सुनती हो? कुंवर जी आए, जल्दी बाहर आओ, आओ ना जल्दी। उठ, वो बुला रहे हैं। आजा बेटी, आजा, चल। हमारी होने वाली दुल्हन हमारी तरफ एक नजर देखेगी नहीं? तुम नहीं। ये सब क्या है? ये तूने क्या किया बेटी? सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कैसी इज्जत, किसकी इज्जत? तुम जानती हो ये कौन है? परले दर्जे का शराबी है, बच्चा लेने और न जाने क्या क्या है। मैं मर जाऊंगी मगर इसकी कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। बंद करो। दुर्गा सिंह, आज के बाद दहलीज के इस पार आने का हक सिर्फ एक ही औरत का होगा, और वो है साहिबा, सिर्फ साहिबा, सिर्फ साहिबा। गुस्ताखी माफ कुंवर साहब, लेकिन एक लड़की की खातिर आपकी इतनी बेकरारी और बेताबी हमसे देखी नहीं जाती। अगर आप कहें तो हाजी साहिबा को उठवाकर
इस हवेली की रौनक बना दें? नहीं, ऐसा करने के लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ये काम हम खुद भी कर सकते थे। हमें अफसोस है कि इतने बरसों में तुम हमारी जिद और मोहब्बत में फर्क ना समझ सके। शायद इसलिए कि आज तक हमने सरकार की सिर्फ जिद ही देखी है, मोहब्बत नहीं। लेकिन इस बार मामला मोहब्बत का है दुर्गा सिंह। हम चाहते हैं कि जो शोला हमारे दिल से उठा है उसकी एक चिंगारी साहिबा के दिल को रोशन कर दे। हम अपनी जीत नहीं दुर्गा सिंह, अपनी मोहब्बत की जीत चाहते हैं, अपनी मोहब्बत की जीत चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे जी, हाथ जोड़ता हूं। बालक राम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही कहता। ये जानने के बाद भी जो मेरी बच्ची ने कहा है। बालक राम, जो तुम्हारी बच्ची ने कहा वो झूठ नहीं, लेकिन बिल्कुल सच भी तो नहीं। जरा सोचो, जिसके सर से बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया हो और जिसका खिलौना बेशुमार दौलत रहा हो, उसमें कोई ना कोई कमजोरी तो आ ही जाती है ना। इसके बावजूद दीवान जी आप मुझसे क्या? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुंवर के सीने में दिल नहीं या दिल में नेकी नहीं। सिर्फ उस नेकी और प्यार को बाहर लाना है और ये काम सिर्फ साहिबा कर सकती है। नहीं जी, जानबूझ के मैं अपनी बच्ची को कुएं में नहीं ढकेल सकता। मेरी इकलौती बच्ची है जी। बालक राम, मेरी बात समझो। जिस दिन साहिबा उस हवेली की चाबियां थाम लेगी और कुंवर के दिल पर राज करेगी, वो खुद ब खुद बदल जाएगा, सही राह पे आ जाएगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आता जी। मैं अभी किसी बात का फैसला नहीं कर सकता जी, मुझे माफ कर दो। क्या ढूंढ रहे हो? वो मेरे अपने कपड़े कहाँ हैं? लीरे लीरे हो गए थे, खून से लथपथ, हमने फेंकवा दिए। फेंकवा दिए? लो तुम्हारे नए कपड़े। क्यों, क्या बात है? रंग अच्छा नहीं लगा? जख्म पर किसी भी रंग की पट्टी बांध दे, क्या फर्क पड़ता है? जख्म भरने में तो उतना ही वक्त लगता है, वहां पर चलने फिरने से बेजार घायल बदन कपड़े कब देखता है? नई जिंदगी उदास लम्हों से शुरू नहीं की जाती। तुम्हें वाकई नया जन्म मिला है, जैसे पुराने जिस्में भगवान ने नई रूह रखती हो। राजकुमारी साहिबा, रूह तो वही रहती है, जिस्म बदलते रहते हैं, लिबास बदलते रहते हैं, लेकिन लिबास से जुड़ी हुई यादें नहीं। बेटी, साहिबा, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? गोपी मुझे पुकार रहा है बापू, मुझे उसकी बांसुरी सुनाई दे रही है। ये तेरा वहम है मेरी बच्ची, गोपी इधर होता तो आना चाहता। वो हमसे रूठ गया है बापू, उसे मना ले या मुझे उसके पास ले चल, मैं उसे मना लूंगी। कहां ले चलूं बेटे, कहां ले चलूं तुझे? कहीं भी जहां गोपी मिल जाए। अच्छा बच्चे, ठीक है, सवेरा होते मैं तुझे ले चलूंगा। हाँ, लेकिन तू रो नहीं बेटे, रो नहीं, तेरे आंसू बेटे मुझसे देखे नहीं जाते। सो जा बेटे, सो जा, सुबह तुझे ले चलूंगा। साहिबा की अम्मा, तू इसी के पास रहे। साहिबा के बापू, इतनी बड़ी दुनिया में कहां ढूंढोगे उसे, कहां होगा वो? अरे होगा कहां, उसका आगा ना पीछा, सारी जिंदगी मंदिर में गुजरी है, पड़ा होगा किसी ना किसी मंदिर में ही। ले बेटी। चल बेटे, उसे मंदिरों में तलाश करते हैं, चलता हूं। Oh,
पुजारी जी, यहाँ कोई परदेसी लड़का आया था, बांसुरी बजाता है वो। नहीं जी, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं आया। दर्जे का शराबी है तू। नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। सब्र करें कुंवर साहब, सब्र। यूं धीरज खो देने से आरजुएं पूरी तो नहीं हो जाती। तुर्के, दुर्गे, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। इंसान की किस्मत में अगर मिलन की चांदनी में नहाना लिखा है तो साथ ही जुदाई की आग में जलना भी। दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, हम वो सब कुछ छोड़ देंगे जो साहिबा को पसंद नहीं। हम वो सब कुछ हासिल कर लेंगे दुर्गा सिंह जो साहिबा को पसंद है। हम अपने आप को बदल डालेंगे दुर्गा सिंह। हम उम्र भर के लिए धीरज रख सकते हैं, लेकिन हमें कोई यकीन तो दिला दे कि साहिबा एक दिन सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी, सिर्फ। बाबा, बाबा, ये रास्ता आगे कहाँ निकलता है? ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये शमशान है, शमशान। देख नहीं रहे सामने चिता जल रही है? चिता? हैरान होने की कोई बात नहीं, यहाँ हर रोज एक न एक चिता जलाई ही जाती है, और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब ऐसा ना हो। ऐसा क्यों बाबा?
आपने माता चामुंडा की कथा नहीं सुनी? ये सब शव उसके आसन के लिए आते हैं। हाँ हाँ, पर बाबा ये कपड़े होंगे किसी मरने वाले के, जब तन ही न रहा तो कपड़ों का क्या काम। हाँ, चलो बच्चे। उसे अपने पास बुला लिया साहिबा की माँ। ये तो क्या कह रहा है? मेरे कहने न कहने से क्या होता है, ईश्वर को जो मंजूर था सो हो गया। हे भगवान, ना मैं उस दिन गोपी को मारती, ना उसे घर से निकालती, ना ये सब कुछ होता। आजकल कुंवर साहब बिल्कुल बदल गए हैं। ये सब उस गांव की कुड़ी साहिबा की खातिर हुआ है। कहते हैं मंगनी वाले दिन उस कुड़ी ने। कुंवर साहब, कहां थे तुम सुबह से दुर्गा सिंह? मंदिर गया था कुंवर साहब। मंदिर? जी। क्या मांगने जाते हो? कुछ भी और कई बार सब कुछ। दुर्गा सिंह, क्या भगवान से मांगने पर सब कुछ मिल जाता है? वहां तो बिन मांगे भी मिल जाता है सरकार, मगर इंसान पैदाइशी खुदगर्ज है, जब तक कुछ मांगना ना हो वहां जाता नहीं। हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं। अगर बिन मांगे सब कुछ मिल जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि देने वाला कौन है और मांगने वाला कौन? मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए दुर्गे कि हम भी उस दर पर जाना चाहते हैं कुछ मांगने के लिए, खुद कर्ज बनकर। क्यों पंडित जी, गोपी बेटे का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं चला। फूल यहां नहीं, भगवान के चरणों में रखते हैं बेटा। लगता है पहली बार आए हो। कोई बात नहीं, आ तो गए। कोई संकट है क्या? हाँ बाबा, मैं बहुत बेचैन हूं। बैठो। कुछ पल दाता का ध्यान करो। दिल सच्चा है और मुराद नेक है तो इस दर पर अवश्य पूरी होती है। क्यों भाई, विजयपाल सिंह का घोड़ा आज मंदिर के सामने कैसे है? जी, वो कुंवर साहब अंदर मत्था टेकने गए। कुंवर और मत्था? तुम्हारे कुंवर को दिन दहाड़े चढ़ गई है क्या? नहीं जी, कुंवर साहब ने तो आजकल दारू छोड़ रखी है। अच्छा, हम तो पहले ही जानते थे कि इतनी महंगी शराब कितने दिन तक चलेगी। ना जी, वो कुंवर साहब आजकल किसी को वो चाहने लगे हैं। कौन है वो राजकुमारी? राजकुमारी नहीं है महाराज, हमारी गांव की कुड़िया साहिबा। क्या हुआ? क्या बात है भैया? जंगल का बादशाह मोहब्बत का फूल सूंघ के पागल हो गया है। हम कुछ समझे नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? कुंवर विजयपाल सिंह, जो खुद अपने जूतों के तस्मे नहीं बांधता था कि कहीं उसे झुकना ना पड़ जाए, आज मंदिर की सीढ़ियों पे अपना माथा रगड़ रहा था। गांव की एक मामूली सी लड़की की मोहब्बत ने सौदा ही कर दिया और उस लड़की ने विजयपाल सिंह के होने से साफ साफ इनकार कर दिया। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? मिले तो हम भी नहीं है उससे, मगर सुना है कि उसका नाम साहिबा है। लेकिन विजयपाल सिंह बहुत जिद्दी आदमी है, वो जालिम उसे उठवा लेगा। क्या
गोपी, जाओ गोपी। आज मुझे मत रोकिए, वरना इस तूफान में मेरा सब कुछ बह जाएगा। हमारे दिल को क्या गीली मिट्टी की तरह रौंद कर चले जाओगे? राजकुमारी जी, भगवान के लिए ऐसा ना सोचें, ऐसा ना करें। क्या हमारे दिल की आवाज ने एक बार भी तुमसे कुछ नहीं कहा? मेरी नजरों में आपका स्थान बहुत ऊंचा है, आप बहुत महान हैं। आप बटी हुई मोहब्बत की नहीं, पूरे प्यार की हकदार हैं। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं आपको पूरी मोहब्बत दे नहीं सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि साहिबा मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। साहिबा? कौन साहिबा? वही साहिबा जिसकी बात आज आपके भाई टीका साहब कर रहे थे। मैं जानता हूं कि मुझ जैसे को कैसी बद्दुआ मिलनी चाहिए। अगर आप चाहें तो वो बद्दुआ मुझे आप दे सकती हैं। जिसे पाकर हमने सोचा था कि हमारी सारी दुआएं कबूल हुई, उसे हम बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? लिखने वाले ने अगर हमारी तकदीर में यूं ही लिखा है तो यूं ही सही। मगर आप जाएंगे कैसे? सारे रास्ते तो बंद हैं। अगर और देर हो गई ना तो मेरा सब कुछ लूट जाएगा, सब कुछ। हमारे होते हुए तुम्हें कोई नहीं लूट सकता गोपी, मगर हम तुम्हें दोबारा इन लहरों के हवाले नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमारी जी, मैं हम वादा करते हैं तूफान थमते ही हम तुम्हें तुम्हारी साहिबा के पास ले चलेंगे। हमारे साथ चलो गोपी, हमारे साथ वापस चलो। इस वक्त हम इस छोकरे को गोली भी मार दे तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। अपनी बहन को एक अजनबी के साथ भीगा हो देखकर हम शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। क्या राजकुमारी साहिबा को अपने रुतबे और हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं? क्या हमारी बहन एक अजनबी की तीमारदारी करते करते खुद भी बीमार हो गई? बीमार वो नहीं, आप हैं। आपके सोचने का ढंग बीमार है। आपके लिए ये दुनिया सिर्फ बुराइयों का पलिंदा है जिसमें कोई अच्छा इंसान बसता ही नहीं, चाहे वो अपना हो या बेगाना। खुश हुए ये जानकर के हमारी रानी के मुंह में जुबान है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जुबान अपने पति के आगे खुलने लगी है। ये जुबान अपने पति के आगे नहीं, उस आदमी के आगे खुली है जो कभी झूठी शान का लिबास नहीं उतारता, जिसकी आंखें हमेशा तस्वीर का बिगड़ा हुआ रुख देखने की आदी है। भाभी आप गलत सोच रहे हैं। भैया जानते हो ये कौन है? ये वही है जिससे इसकी साहिबा छीनी जा रही है, वही साहिबा जिसके लिए कुंवर विजयपाल सिंह को आपने मंदिर में देखा था। क्या? अजनबी दोस्त, हम तुझे यकीन दिलाते हैं कि हमारे होते हुए विजयपाल तो क्या उसका बड़ा भी तुझे तेरी साहिबा से जुदा नहीं कर सकता। जी हाँ, विजयपाल सिंह, हमने सुना था कि जो आदमी जहर में बुझे हुए तीर से नहीं मरता वो मोहब्बत के तीर से मर जाता है। हम विजयपाल को उसी तीर से मारेंगे। बेटी, बेटी क्या हालत बना रखी है अपनी? चल बेटी उठ, उठ बेटी, चल उठ।
मेरी अच्छी बच्ची, आजा, आजा बेटी, चल। सिंदूर औरत का सबसे सुंदर सिंगार है बेटी। भागो भरी औरत वही होती है जिसके माथे पर सुहाग की बिंदिया चमके। इस संसार में अकेली औरत की जिंदगी अजीरन बन जाती है। यह पहाड़ जैसा जीवन काटे नहीं कटता। बेटी तू ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं मां, इतना काफी नहीं कि मैं सुन रही हूं? जीती रहो बेटी, किस्मत वाले होते हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद उनकी बात सुनती है। हाँ तो मैं कह रही थी, रिश्तों के बंधन में ही औरत की मुक्ति है। हाँ माँ तू ठीक कह रही है, औरत की मुक्ति जन्म जन्म के रिश्तों में ही है। चुक चुक जियो मेरी लाडली, चुक चुक जियो। शुक्र दाता। क्या तुम सच कह रहे हो बालक राम? हमें तुम्हारी बातों और अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। पिछली बातों को भूल जाओ कुंवर साहब, भगवान के लिए ये रिश्ता कबूल कर लो। कबूल? ये कैसी बातें कर रहे हो बालक राम? आज तुम इंसान के भेष में एक फरिश्ता नजर आ रहे हो जो हमारे लिए जिंदगी का पैगाम लाया है। तो मैं जाके ब्याह का मुहूर्त निकलवा लूं कुंवर साहब, कौन सा दिन रखूं जी? आज तुम इतनी बड़ी खुशी की खबर लाए हो, आज से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है जी? मगर बेटी के ब्याह की बात है कुंवर साहब, थोड़ा इंतजाम बिंतजाम भी करना होता है ना जी। हम तुम्हारी बेटी को सिर्फ 3 कपड़ों में लाएंगे, वो भी जो हमने बनवाए हैं। दुर्गा सिंह जी, सुनहरी तारों वाला साहिबा के लिए बनवाया गया जोड़ा बालक राम जी को दे दो। जी आइए आइए बालक राम जी आइए। हमने बग्गी तैयार करवा दी है, आप जितनी जल्दी हो सके गोपी को दूल्हा बनाकर साहिबा के यहाँ पहुंचे, हम आपको वहीं मिलेंगे। चलो गोपी तैयार हो जाओ, अभी हमें कुछ हिसाब किताब करना बाकी है। पंडित जी हवन की तैयारी कीजिए, हवन की। और ये शहनाई वाले खामोश क्यों हैं? बजाइए बजाइए। दुर्गे, कुंवर साहब, दुर्गे इंसान वाकई बहुत खुदगर्ज होता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे हम अपनी खुशियों में इतना खो गए कि उसको भी भूल गए जिसकी बख्शीश ने हमें ये दिन दिखाया। बारात चलने से पहले हम उसके दर पर सर झुकाने जरूर जाएंगे। बहुत सही कहा आपने, मैं खुद सोच रहा था कि आपके सहरे में एक फूल भगवान के चरणों का भी होना चाहिए। कहां चले कुंवर विजयपाल सिंह? मुराद मांगने? यहां हर कोई कुछ ना कुछ मांगने आता है, मगर जरूरी नहीं कि सबकी मुराद पूरी हो ही जाए। हम भगवान का शुक्रिया अदा करने चले हैं। किस बात का शुक्रिया विजयपाल? अपनी शिकस्त का? और हां, वैसे तुम्हारी जीत हुई ही कब थी? आज हमारी दुल्हन के हाथों मेहंदी लग रही है टिक्का, आज हम खून का एक कतरा भी नहीं देखना चाहते। साहिबा के हाथों में मेहंदी जरूर लग रही है, लेकिन उस मेहंदी का रंग तुम्हारे लिए नहीं है विजयपाल, गोपी के लिए है। साहिबा जिसकी थी और है। देखते क्या हो, उजाला मांग कर हवेली रोशन करने वालों का अंजाम यही होता है। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे शुभ दिन है, आज हम कोई अशुभ काम नहीं करना चाहते, इसीलिए बेहतरी इसी में है कि तुम हमारा रास्ता छोड़ दो। अगर हम रास्ता छोड़ भी दें तब भी तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते विजयपाल। कुंवर विजयपाल सिंह पहले अपनी मंजिल तय करता है फिर रास्ता चुनता है। हट जाओ टिक्का। हा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 ह
नहीं बेटी, मैं नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। सुहाग का जोड़ा इस तरह नहीं ठुकराया करते बेटी। मुझे लगता है जैसे सांप ने केंचुली उतार कर भेजी हो, इसका जहर मुझे मार देगा। शुभ शुभ बोल मेरी बेटी, आज के दिन मरने की बात नहीं करते। साहिबा, बापू, बापू। बेटी, इन खुली वादियों में पली तरी लाडली उस हवेली की कैद में कैसे जी सकेगी? चला गया था तू, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। साहिबा, ऊपर वाले तेरा खेल अजब है, जुदा करने वाला भी तू और बिछड़ों को मिलाने वाला भी तू। चाचा जीते रहो। चाची मुझे माफ कर देना बेटा। गोपी, ये बातों का वक्त नहीं, साहिबा को लेकर निकल चलो जल्दी। हाँ बेटे, ये ठीक कह रही है, तुम साहिबा को लेकर दूर निकल जाओ। राजकुमारी जी, आप पीछे बैठी ना, मैं पकी। वो तुम्हारी जगह है, हमने दो प्यार करने वालों को मिलाने का वादा किया था। जब तक इन घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में है, मोहब्बत की दौड़ में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरी बच्ची, ये कैसी विदाई है, कैसी विदाई है ये? क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बच्ची अपने घर जा रही है। चुप हो जाओ। बालकू, हमने जिंदगी में कभी किसी से हार नहीं मानी। एक चरवाहे के हाथों हमारी हार, हमारी मौत होगी और इसके जिम्मेदार तुम हो। बोल साहिबा कहां है, बोल। कुंवर साहब, वो दोपी और उस तरफ वाली रात तुम्हारी तेतात नीते तो दई है। नहीं राजकुमारी, झूठ है। हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं बालकू, इसलिए कि साहिबा को जन्म देकर तुमने हमारी जान पर एहसान किया हुआ है। ना मुराद, क्या जरूरत थी तुझे बताने की? तुझे इसी दिन के लिए पाला था मैंने, क्यों बताया तूने? था, अगर मैं उसे नहीं बताता ना तो तुझे दान से मार देता। हाँ बच्चे,
गोली चलाने पर मजबूर कर रही है आप। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। गोपी, हमारी नहीं, साहिबा की फिक्र करो। उसे लेकर जल्दी यहां से जाओ। लेकिन हम आपको यहां ऐसे इस हाल में। जाओ गोपी, कल जाओ यहां से। तुम कुमार साहब को धोखा देके नहीं जा सकती साहिबा। कौन सा कुमार? कैसा धोखा? हट जाओ हमारे रास्ते से। रुक जाओ, पकड़ लो सब। कुंवर विजय पाल सिंह आज बगैर दुल्हन के वापस नहीं आएगा। जिद मत करो साहिबा, चलो। नहीं, नहीं। साहिबा देख, देख तेरे परले दर्जे के शराबी ने फिर तुझे छू लिया है। हाथ थाम लिया तेरा, हाथ थाम लिया है। उठ, उठ और उसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर एक हिरनी की तरह जंगल में खोजा। अरे अरे लोग खपा हो जाते हैं पर तेरी तरह मर तो नहीं जाते। हमसे वो नफरत कौन करेगा जो दो जहां की मोहब्बतों पर भारी थी? कौन करेगा, कौन?
शुगर डरिए की भेस में भी शहंशाह निकला और साहिबा के दिल पर हुकूमत करता रहा और हम राजकुमार होकर भी भिखारी रहे। अरे जिंदगी भर तो तूने हमें जीने नहीं दिया और अब मरने में भी बाजी ले गया। उठ जाग और हमसे हमारी सांसें ले ले, हमसे हमारी आवाज छीन ले और फिर उसी लय में साहिबा को पुकार ताकि वो छमछम करती हुई तेरे पास चली आए और हम उस लम्हे को रोक लेंगे। वक्त थम जाएगा और रुके हुए पल मोहब्बत की दास्तान दोहराने लगेंगे। उठ जाग जाग। बाबा